वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं तमिल सुपरस्टार सूर्या की फिल्म सूर्यराय पुत्रु के बारे में। वेल फ्रेंड्स, बहुत ऐसी कम फिल्में थी जो कि लॉकडाउन के समय आई थी, जो कि ओटीटी पर बहुत बड़ा धमाका किया था पिछले साल। उसमें से एक फिल्म थी सूर्यराय पुत्रु। आज भुज के ट्रेलर को देखकर आपको जितना दुख हो रहा है कि ये फिल्म सिनेमाघर में क्यों नहीं आई, उतना ही दुख जितने भी तमिल ऑडियंसेस थे। सिर्फ तमिल ऑडियंसेस नहीं, आस्ते आस्ते तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एज वेल एज हिंदी ऑडियंसेस उनको भी हुआ था, जब पिछले साल सूर्या की फिल्म सूर्यराय पुत्रु ये जो थी ये डायरेक्टली ओटीटी पर आई। इसने कई रिकॉर्ड्स तोड़े, इतनी मैसिव व्यूअरशिप मिली। एंड गाइस, उस फिल्म के रिव्यू में ही मैंने आपसे कह दिया था कि ये फिल्म जब बन के तैयार हुई थी तब से ही इस फिल्म का जो हिंदी रीमेक है इस पर काम हो रहा है। द मेकर्स जो थे इतना वो लोग कॉन्फिडेंट नहीं थे कि ये फिल्म इस लेवल पे हिट होगी। आई मीन, जिस तरह का किरदार सूर्या निभाता है, किस तरह से उसको एक लो कॉस्ट एयरलाइन चालू करनी रहती है, उसमें परेश रावल आते हैं, सूर्या की बीवी जो इस फिल्म में थी, यानी कि फिल्म में जो निभा रही, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर निभाया था। एंड किन कठिनाइयों को पार करते हुए, और जो क्लाइमैक्स था इतना रोने वाला था। आप मेरा रिव्यू चेक कर सकते हो, तभी मैंने बताया था कि शाहिद कपूर को ऑलरेडी जो मेकर्स है इस फिल्म के, उन्होंने अप्रोच किया है फॉर इट्स हिंदी रीमेक। लेकिन वक्त गया, समय बदला, उस फिल्म के साथ कुछ हुआ नहीं। शाहिद कपूर स्टार्टेड डूइंग फेक। द वेब सीरीज जर्सी का जो रिमेनिंग पोर्शन था वो उन्होंने शूट किया, एंड अब वो कहीं भी इस कंटेक्स्ट पिक्चर में दिखाई नहीं देते। लेकिन गाइस, आज सुबह सूर्या ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की उनके खुद के हैंडल से कि आई एम रीमेकिंग सूर्यराय पुत्रु, मच लव तमिल फिल्म। अब गाइस, इसका जो हिंदी रीमेक है इसको और कोई नहीं बल्कि जो इनकी ओरिजिनल डायरेक्टर है, यस फ्रेंड्स, सुधा कोंगरा जी, जिन्होंने ऑफिशियली ये फिल्म को जो डायरेक्ट किया था अलग लैंग्वेजेस में, यानी कि तमिल में, वही इनको यहाँ पर हिंदी में डायरेक्ट करने वाली है। अब गाइस, सूर्यराय पुत्रु मैं तो आकाशम नी हद्दूरा देखा था तेलुगु वर्जन, तेलुगु थोड़ा ज्यादा समझ में आती है तमिल के कंपैरिजन में। ये फिल्म तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में ऑलरेडी आ चुकी है, हिंदी में ये उड़ान नाम से ऑफिशियली आई है। अब गाइस, यहाँ पर दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इस फिल्म को जो प्रोड्यूस करने वाले हैं वो है अबन डांशा एंटरटेनमेंट। अब गाइस, अबन डांशा एंटरटेनमेंट जो है उनके तरफ से जो मैसेज आया है कि वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस एंड जॉइन हैंड्स विद 2D एंटरटेनमेंट टू मेक द ग्लोबली अक्लेम्ड सूर्यराय पुत्रु इन हिंदी। एक्स्ट्रा थैंक्स टू सुधा कोंगारा जो कि इसको हिंदी में डायरेक्ट करेंगे। अब गाइस, रीमेक्स का जो विषय है आजकल बहुत ही डिबेटेबल, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है, स्पेशली बॉलीवुड को लेकर, कि बॉलीवुड पर तो स्टैम्प लग गया है कि हर एक फिल्म बॉलीवुड जो कर रहा है वो रीमेक है। देखिए, रीमेक्स तब बनती है जब उनके जो ओरिजिनल मेकर्स है वो हिंदी ऑडियंसिस के पास, यानी कि हिंदी बॉलीवुड के पास आकर अपनी फिल्में बेचते हैं। यस, यहाँ से प्रोड्यूसर्स जाते हैं, ये एक म्यूचुअल डिसीजन है। इसीलिए जब जो फिल्म बनाया है, जिसने फिल्म में एक्ट किया है, यानी कि खुद सूर्या कह रहा है कि मुझको अपनी फिल्म का जो रीमेक है वो बनाना है, तो आई थिंक आप लोगों का इसमें कोई कहना बनता नहीं है, क्योंकि खुद सूर्या ने अनाउंस किया है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी पिक्चर हिंदी में बने। गाइस, द लार्जर पिक्चर इज एवरीवन वांट्स अ प्रॉफिट। कबीर रेड्डी, कबीर सिंह की जो डायरेक्टर, अर्जुन रेड्डी के डायरेक्टर, उन्होंने संदीप रेड्डी वेंगा ने कहा था कि मैं चाहता था कि मेरी पिक्चर पूरा इंडिया देखे, इसीलिए उन्होंने कबीर सिंह बनाई, एंड यही सूर्या चाहता है। अब गाइस, यहाँ पर इस फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस फिल्म में हु विल बी द मेन लीड टू प्ले सूर्यास कैरेक्टर। अब गाइस, यहाँ पर बहुत सारे नाम आए हैं, एंड गाइस यहाँ पर इसके जो मेन प्रोड्यूसर्स है वो है अबन डांशा एंटरटेनमेंट, एंड अबन डांशा एंटरटेनमेंट हैव मेड अ लॉट ऑफ फिल्म्स विद खिलाड़ी कुमार एंड अक्षय कुमार। दूसरे प्रोड्यूसर जो है वो है विक्रम मल्होत्रा, उन्होंने एयरलिफ्ट, टॉयलेट एक प्रेम कथा, इस सारी की सारी पिक्चरें बनाई है। पिछले 6 महीनों से ये डील वो पैक करने की कोशिश कर रहे थे, एंड अब जाके उन्होंने सूर्या एंड सुधा कोंगारा जी के साथ ये फिल्म जो है, जो कि खुद आधारित है सिंपली फ्लायर डेकन ओडिसी पे, उसके राइट्स ले लिए है। सुधा कोंगारा इसका ऑफिशियल स्क्रीन प्ले भी लिखेगी। अब गाइस, 4 नाम है जो सामने आए हैं यहाँ पे इसकी कास्टिंग के लिए, ध्यान से सुनना। अब इसमें कौन कास्ट होगा, इन चारों में से कोई होगा, देर इज अजय देवगन, देर इज अक्षय कुमार, देर इज जॉन इब्राहिम एंड ऋतिक रोशन। यहाँ कहा जा रहा है कि ये मेकर्स के टॉप चॉइसेस हैं। अब गाइस, यहाँ पे इनमें से एक किसी को फाइनलाइज किया जाएगा, एंड एक और कारण ये है कि ये सारे के सारे लोग जो है जो अपनी फिल्में खुद प्रोड्यूस करते हैं। अब ऋतिक का तो पता नहीं है,
कि ऋतिक अपनी जो कंपनी है प्रोडक्शन फिल्म क्राफ्ट को लेकर आएगा कि नहीं इस फिल्म में, लेकिन अजय देवगन खुद प्रोड्यूसर है, जॉन इब्राहिम जे एंटरटेनमेंट खुद प्रोड्यूसर है, अक्षय कुमार खुद प्रोड्यूसर है, इसलिए यू नो मेकर्स जो है वो चाहते हैं कि वो ऐसे एक्टर को चुने जो कि खुद प्रोड्यूसर भी हो। अब गाइस सूर्या की एज 45-46 ईयर्स की है एंड इन सारे लोगों की तकरीबन उतनी है। यस अक्षय एंड अजय देवगन बोथ आर अबाउ 50, लेकिन जब सूर्या ने वो किरदार निभाया है तो ये दोनों भी निभा सकते हैं। अब लेट्स सी, शाहिद कपूर तो मुझे परफेक्ट लगता था इस फिल्म की चॉइस को निभाते हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शाहिद कपूर यहाँ पे पिक्चर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और एक और बड़ा कारण है, अबन डांस एंटरटेनमेंट जो है वो अक्षय कुमार के साथ दो बड़ी बड़ी पिक्चरें कर रहे हैं, एक तो राम सेतु कर रहे हैं वो उनके साथ, एक उनकी जो वेब सीरीज दी एंड। इसीलिए प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू पे अक्षय कुमार लुक्स द बेस्ट चॉइस फॉर द मेकर्स, क्योंकि मेकर्स का रिलेशन खिलाड़ी कुमार के साथ बहुत अच्छा है, तो अक्षय कुमार इज द फ्रंट रनर। लेट्स सी कौन करता। जॉन इब्राहिम तो मुझे रोल में सूट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दिस रोल रिक्वायर्स अ वेरी वेरी यू नो कैसा एक्टर जो एकदम स्किन में घुस के वो काम करे। जॉन इब्राहिम इज नोन फॉर यू नो इज एक्शन अवतार, अजय देवगन अक्षय कुमार बोथ विल गेट इन टू द स्किन, बट अकॉर्डिंग टू मी शाहिद कपूर इज द बेस्ट पर्सन हु कैन डू सूर्या राय पुत्रो राइट नाउ। ओके गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब तो ये फिल्म हिंदी में बन रही है, ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है, इसकी कास्टिंग चल रही है, हु डू यू वॉन्ट एज सूर्यास कैरेक्टर इन द हिंदी वर्जन। दिस इज मी आमन साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल।